नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। कमर जावेद बाजवा आईएसआई प्रमुख फैज रियाद को साथ लेकर सऊदी अरब में जिस खजूर को तोड़ने पहुंचे थे उन्हें उसके बगीचे तक में घुसने ही नहीं दिया। ऐसे में बाजवा ने मदरसे के मुल्ले वाला पैतरा चल दिया और कह दिया खजूर खट्टे हैं। यानी जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक सऊदी अरब का मदरसा मुल्क से मोहभंग हो चुका है, मगर फिर भी सऊदी ने पाकिस्तान से संबंध सुधारने की जिम्मेदारी पूरी की पूरी पाकिस्तान पर ही छोड़ दी है। इसके लिए सऊदी ने पाकिस्तान के सामने तीन शर्तें रखी थी, जिसमें पहली शर्त यही थी कि उसे चाइना पाक आर्थिक गलियारे को अलविदा कहना होगा, दूसरी शर्त में तुर्की ईरान से रिश्ते खत्म करने पड़ेंगे और तीसरी शर्त में ओआईसी के मंच पर द्विपक्षीय मसले को नहीं उठाया जाएगा। जनरल कमर जावेद बाजवा इनमें से आखिरी शर्त मानने के लिए पूरी तरह तैयार हो गए थे, मगर पहली दो शर्तों पर उनकी तस्लीम जवाब दे गई, इसलिए फंसा हुआ पेच लेकर बाजवा सऊदी से वापस आएंगे, पर यही पेच अब पाकिस्तान के लिए मुसल सिद्ध होने वाला है। हालांकि पाकिस्तान की मीडिया में फौज की लाज रखने के लिए दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि बाजवा की पतलून फट चुकी है और वे सऊदी द्वारा छोड़ा गया दाग लिए वापस लौट रहे हैं। यूं भी सऊदी अरब से अब दोस्ती का हेलीकॉप्टर उड़ने वाला नहीं है। जब से इमरान ने ईरान और तुर्की से तस्रीफ मिलाई है, सऊदी से रिश्ते में खटास उसी वक्त आ गई थी। वैसे भी कंगाल मुल्क के बाजवा का सऊदी दौरा प्रिंस सलमान की चापलूसी के लिए किया गया था। पाकिस्तान का पूरा फोकस इसी मुद्दे पर था कि सऊदी अरब उधारी के तेल और बकाया 5 अरब 20 करोड़ डॉलर के लिए कुछ मोहलत बकस दे, पर खबर यही है कि सऊदी अरब पाकिस्तान पर किसी रहम के मूड में नहीं है, बल्कि उसने अपनी शर्तें मनवाने हेतु कुछ और सख्त कदम उठाने के प्रति पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया है। पाकिस्तान को शर्तों पर विचार करने के लिए 1 महीने का वक्त दिया गया है। अगर इस दौरान पाकिस्तान ने सऊदी की शर्तें नहीं मानी तो वह न सिर्फ अपना कर्ज वापस लेगा, बल्कि साल 2018 से सऊदी ने पाकिस्तान में 20 अरब डॉलर का जो निवेश किया है अपना वह पैसा भी वापस लेना शुरू कर देगा। यानी गली गली घूम रहे इस अवारा भिखारी पर कोरोना से भी बड़ी मार पड़ने जा रही है। अगर सऊदी ने यह कठोर निर्णय ले लिया तो पाकिस्तान दिवालिया होने के साथ पूरी तरह तबाह भी हो जाएगा। पिछले दिनों ही क्राउन प्रिंस ने सऊदी में काम कर रहे पाकिस्तानियों का पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा था, जिसमें ऐसे चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं जिसने सलमान की नींद तो उड़ाई है, पाकिस्तान के तहमत भी गीले कर दिए हैं। इन आंकड़ों से पता चला है कि सऊदी में करीब 40 लाख पाकिस्तानी घुसे हुए हैं, जिनमें 30 लाख से ज्यादा कामगार हैं। हालांकि पाकिस्तान अभी तक उनकी संख्या 10 लाख के करीब ही बताता रहा है। सऊदी ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर आवश्यक हुआ तो इन सभी टोपीबाजों को सऊदी से निकाला जाएगा, इनके स्थान पर बांग्लादेश और भारत के लोगों को तवज्जो दी जाएगी। यह एक तरह से मदरसा मुल्क को बड़ी चेतावनी है। यानी पाकिस्तान के पास अभी भी वक्त है कि वे सऊदी की शर्तों को स्वीकार करके रिश्तों को सामान्य करने के प्रयास करें। अगर पाकिस्तान मदरसा नीति का परित्याग नहीं करता है तो फिर सऊदी का डंडा बहुत वजनदार है, जिसकी मार या मुल्ला कौम शायद ही सहन कर पाएगी। पर पाक के मदरसा छाप सच बोलने लगे तो हुरे 72 से 2500 हो सकती है। इसलिए जनरल बाजवा ने अपनी इज्जत बचाने के लिए यही बयान दिलवाया है कि दोनों देशों के रक्षा संबंधों को और मजबूत बनाने पर वार्ता हुई है। सऊदी की ओर से पाकिस्तान को रोकी गई तेल आपूर्ति के विषय में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। यानी फंटर कौम का जायलंदाज ऐसा है कि कल तक सऊदी को कोसने वाले आज इस नए बयान पर खुश होकर तहमत लहराते हुए रमंडी की तरफ भाग खड़े हुए हैं। पर मामला इस बार सही जगह पर फंसा है और इसके नतीजे भी मदरसा कौम को सबक सिखाने वाले हो सकते हैं। सऊदी जाहिलों की हर मक्कारी से वाकिफ हो चुका है। जो बाजवा प्रिंस सलमान के सामने गधैया नृत्य करने गए हैं, कुरैशी के बयान के पीछे भी उन्हीं का दिमाग था। पाकिस्तान को लग रहा था कि ओआईसी को दो फाड़ करने की धमकी से सऊदी अरब दबाव में आ जाएगा, जिसके बाद पूरे इस्लामिक सहयोग संगठन को वे अपने हिसाब से नचा सकेंगे। पर पाकिस्तान का यह दांव आज पूरी तरह उल्टा पड़ गया है। ओआईसी का संपूर्ण नेतृत्व सऊदी अरब के हाथ में है। इस संगठन का महासचिव भी सऊदी अरबी है। इसलिए पाकिस्तान द्वारा ओआईसी पर हमले को सऊदी ने अपने ऊपर हमला माना है। केवल इतना ही नहीं, पिछले दिनों जिस तुर्की सीरियल एर्ता गुरुल को इमरान ने पाकिस्तान में प्रसारित कराया था, वह एर्ता गुरुल भी सऊदी अरब में बैन है। यानी पाकिस्तान जानबूझकर सऊदी अरब को चिढ़ा रहा था और उस पर दबाव बनाने की साजिश भी रच रहा था। सऊदी ने जिन शर्तों को बाजवा की तस्वीर पर चिपकाकर बैरंग भेजा है, उन्हें पूरा कर पाना पाकिस्तान के लिए बेहद ही मुश्किल है। खासतौर से सीपैक को सीओप कर पाना असंभव है। सऊदी जानता है कि पाकिस्तान ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने इतनी कठोर शर्तें रखी है।
सऊदी अरब हर हाल में पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहता है। पिछले एक साल से पाक के नेता लगातार ओआईसी पर आक्रामक होते जा रहे थे। वे कश्मीर मुद्दे पर अपनी असफलता का ठीकरा ओआईसी पर डालने लगे थे, जिससे सऊदी के साथ संगठन के अन्य सदस्य भी खुद को असहज महसूस कर रहे थे। सऊदी के सामने ओआईसी को बचाने की चुनौती उस वक्त कड़ी हुई जब इमरान खान ने तुर्की, मलेशिया और ईरान के साथ मिलकर कुआलालंपुर में एक अलग इस्लामिक शिखर सम्मेलन आयोजित कर दिया। यह सीधे सीधे सऊदी अरब की बादशाह को ललकार थी। सऊदी को समझने में देर नहीं लगी कि भिखारी मुल्क हैसियत से ऊपर उठ गया है। अभी केवल सऊदी ने पाकिस्तान पर एक्शन लिया है। जल्दी ही यूएई और बहरीन भी पाकिस्तान को डंडा चढ़ाने वाले हैं। अब ये खाड़ी देश कुरैशी को विदेश मंत्री के पद से हटाए जाने से संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसमें कुरैशी की कोई बड़ी भूमिका नहीं है। खुद बाजवा ने सऊदी पहुंचकर यह साबित किया है कि पाकिस्तान में असली खिलाड़ी वही है। कुरैशी तो पिछला जुम्मा बोले, पाकिस्तान तो एक साल से गर्दन उठा रहा था, इसलिए प्रिंस सलमान ने अपने सभी कठोर फैसलों को बरकरार रखा है। बड़ी बात यह है कि खुद जनरल कमर जावेद बाजवा के पास भी ऐसा कोई नुक्ता नहीं था जो रिश्तों की खटास को दूर कर पाता। सऊदी के पास पाकिस्तान की हिमाकत की लिस्ट बहुत लंबी है, इसलिए बाजवा अपने साथ पूरे पाकिस्तान की बजवा कर बिस्तरा गोल करवा के आ रहे हैं। पर सवाल यही है कि सऊदी अरब से छिटकने के बाद पाकिस्तान की गाड़ी कितनी तेजी से दौड़ सकेगी। पाकिस्तान ने ईरान, चीन, तुर्की के साथ मिलकर एक ब्लॉक बनाने की कोशिश की है। इसमें केवल तुर्की ही कश्मीर मुद्दे पर उसके साथ है। महातिर मोहम्मद का पत्ता कटते ही मलेशिया ने भी अपना मुंह बंद कर लिया है। वह पाकिस्तान के गुट में जा पाएगा, इसमें भी संदेह है, क्योंकि दक्षिणी चीन सागर को लेकर मलेशिया चीन से बिल्कुल खुश नहीं है। जहां तक ईरान का कश्मीर को लेकर नजरिया है, वैसे भारत का अंदरूनी मामला मानता रहा है, यानी चीन तुर्की के सहारे पाकिस्तान भारत को घेरने चला है। ईरान के साथ भारत के संबंध पहले भी दोस्ताना थे, आगे भी दोस्ताना रहेंगे। बगैर भारत के ईरान का गुजारा होना मुश्किल है, जबकि पाकिस्तान के ईरान के पाले में जाने से उसने मिडिल ईस्ट के अधिकांश देशों को अपना प्रतिद्वंदी बना लिया है। यानी पाकिस्तान के पूर्व नेताओं ने अपने जिन अथक प्रयासों से मुस्लिम देशों में मदरसा मुल्क की जो जगह बनाई थी, इमरान लोडी ने उसका बढ़िया से बंटाधार कर दिया है। अब केवल सऊदी की नाराजगी से निपटना ही मुश्किल नहीं है, बाकी के खाड़ी देश भी उसके लिए चुनौती बनने वाले हैं। इन मुल्कों के एक्शन से बच पाना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं है। पाकिस्तान का एक तिहाई कर्ज इन्हीं खाड़ी देशों से मिला है। यह भड़के तो पाकिस्तान का इंशाअल्लाह होना तय है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।